सूर्यवीर। 15 अगस्त कल है, तो आप पूरे देशवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? आप एक सिंगर हैं, हाँ जी, तो क्या कुछ नया? बेसिकली इंडिपेंडेंस डे एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड आई थिंक हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके लिए मैंने गाना डेडिकेट किया इस बार और वो रिलीज़ हो रहा है अभी थोड़ी देर में। एंड आप चाहते हो मैं एक दो लाइनें गा के सुनाता हूँ उसकी। मैं वतन वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बाकी आप इसका वर्जन पूरा सुनना, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल पे लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे एंड आई थिंक 14 अगस्त को ही हम लॉन्च कर देंगे इसको शाम को 5-6 बजे तक, सो के 15 अगस्त से सब लोग सुन पाए ध्यान से। जीवर आपके बहुत जुड़े हुए हैं आपके साथ में, हाँ जी, भी आपका गाना आता है मिलियन प्लस, राइट राइट। तो इस गाने में ऐसा क्या खास है जो देशभक्ति एक दिखाई कुछ अलग किया है, क्योंकि और भी बहुत सारे गाने आए? राइट राइट, नहीं ये गाना बेसिकली मैंने एक दिन सुना था और उसको उस दिन मेरे को देख के उसको रोंगटे खड़े हो गए थे और बड़ा इमोशनल हो गया था। तो जब भी मैं ऐसा होता है मेरे साथ कुछ तो मैं उस गाने को ज़रूर गाने की कोशिश करता हूँ। और मैं बैठा हुआ था अपने स्टूडियो पे, सिर्फ गिटार पे मैंने बनाया गाना और कुछ म्यूज़िक नहीं है इस पर। एंड जब मैंने रिकॉर्ड किया मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छी गुड वाइब्स आया, तो मैंने कहा ये मैं प्रेजेंट करूँगा फॉर इंडिया एंड इससे बेटर दिन कौन सा इंडिपेंडेंट डे। राइट, ये वाला रिक्रिएटेड है बाय द वे। हाँ जी हाँ जी। उनमें से कोई ऐसा गाना जो आपके सबसे दिल के करीब रहा हो? फिर मेरा पहला गाना जो वायरल हुआ था वो था यारा तेरी यारी, फ्रेंडशिप डे पे मैंने बनाया था उसको एंड उसने हमें बहुत प्यार दिया, पूरी दुनिया में गाने को पहुँचाया, सो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है वो गाना। अगर बॉलीवुड के सिंगर की बात करें, कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब? सी मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। वैसे तो किशोर कुमार जी जब नहीं रहे वो मेरे लाइक फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हैं। आई थिंक मेरे तो फॉर एवर वही फेवरेट रहेंगे। आप दिल्ली के हैं, हाँ जी, यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका यहाँ तक आने के लिए? राइट, आपने अपनी ये सिंगिंग दिल्ली से ही स्टार्ट की थी कॉलेज के जरिए या कुछ? सी म्यूजिक में तो मैं बचपन से था, जैसे मैं क्लास जैसे पहली क्लास में से ही लाइक क्लास वन से ही म्यूजिक की तरफ काफ़ी मेरा एक इंक्लिनेशन था, बड़ा झुकाव था एंड मैं शुरू से स्टेज में कुछ ना कुछ जरूर करता था। बट स्लोली स्लोली करके जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में गए तो डिसाइड किया चलो इसको अब म्यूज़िक का प्रोफेशन लेते हैं एंड बस शुरू हो गया, अपने आप ही चलते गए, अपने आप रास्ते खुलते गए और सब कुछ होते गए। सबसे पहला चांस आपको जहाँ पे आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो कि आपने सोचा कि अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए? राइट, मैं जब कॉलेज में पहुँचा उससे पहले मैं म्यूज़िक बजाता था, आई यूज़ टू प्ले कीबोर्ड बैंड में, बट जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी प्यार मिला टुवर्ड्स म्यूज़िक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बड़ा एकदम तो पॉपुलैरिटी मिल जाती थी। वहाँ पर मैं डिसाइड किया था इनफैक्ट कि मेरे को म्यूज़िक को प्रोफेशन बनाना है। उसके बाद जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तो मेरा जो फर्स्ट एवर शो था वो था कैफे कॉफी डे में, तो उन्होंने एक तरह से मेरा ऑडिशन लिया था कि आप आइए और हम देखेंगे, अगर आप अच्छे होंगे तो आपको हम शायद जॉब दे देंगे गाने गाने के लिए। सो मेरे साथ ऐसे स्टार्ट हुआ एंड कैफे कॉफी डे बड़े दोस्त बने मेरे, बड़े जो अभी तक दोस्त हैं एंड वहाँ से बहुत सारी चीज़ें और भी मिली। आप खुद के चैनल पे रिलीज कर रहे हैं, राइट? ऐसा किसी कंपनी के साथ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने सबके साथ किया हुआ है, मैंने यूनिवर्सल के साथ भी किया हुआ है, टी सीरीज के साथ भी किया हुआ है, टिप्स के साथ भी काम करता हूँ, मैं सबके साथ काम करता हूँ, ऐसा कोई मेरे साथ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मेरा चैनल भी मैं कर रहा हूँ मैं, और चैनल में मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है एंड लोग जुड़ जाते हैं, एक पर्सनल टच हो जाता है लोगों से, तो आजकल मैं चैनल में डाल रहा हूँ बट कुछ आगे मेरे गाने लेबल्स पे भी आ रहे हैं। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ जिसके लिए आप गाना गाएं और आपके गाने पे एक्ट करें, कोई ऐसा सेलिब्रिटी? वैसे मैं जब वो मूवी आई थी रॉकस्टार, उसमें रणबीर कपूर का मेरे को काफ़ी उनके गाने बड़े पसंद आए थे जिसपे उन्होंने एक्टिंग की थी, आई थिंक रणबीर कपूर पे मैं ज़रूर गाना चाहूँगा अगर मौका मिलता है तो। किस तरह के गाने ज़्यादा गाना पसंद करते हैं आप? जी मेरे साथ एक बचपन से बात रही है कि मैं म्यूज़िक में हर चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं वेस्टर्न से लेके इंडियन क्लासिकल से लेके जैज़ कंटेम्प्रेरी ब्लूज़,
मेरे को ना ऐसा कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है कि जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को कोई भी म्यूज़िक होना चाहिए बट अच्छा होना चाहिए। 15 अगस्त को, हाँ जी 15 अगस्त है कल, एक राइट, बार देशवासियों को शुभकामनाएं दे दीजिए ठीक है। आई थिंक गाने के लिए देशभक्ति है उसके अंदर, कुछ नया है। राइट राइट, तो आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड सबको ये कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी बिल्कुल फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक चीज़ चल रही है जो इंटरनेट पे, जो मैं जिसके मैं अगेंस्ट हूँ काफ़ी, तो अगर उसको रोक सकते हैं हमें रोकना चाहिए, वो है अब्यूजिव लैंग्वेज, बिकॉज हर किसी पास आज की डेट में डेटा तो कुछ भी लिख देते हैं। सो आई थिंक वो लोगों को नहीं रखना चाहिए, एंड जो लोग उनके दोस्त यार ऐसे ज़बरदस्ती फालतू में अटेंशन करने के लिए कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। बाकी मेरा गाना आप ज़रूर सुनिए, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट एवरीबडी नोज द सॉन्ग। थैंक यू।